We're all having fun. I know it's a fun evening. Like in just for 20 minutes, I would request all of you to please pay some attention here because there's some amazing music coming up for all you people. About the movie, मैं कहना चाहती थी कि हमारे माँ बाप ना बड़े ही अतरंगी किस्म के जीव हैं. हमारे माँ बाप बहुत ही अजब गजब किस्म के लोग हैं. Why do I say this? मैं चाहूँगी आप सब लोग ध्यान दें. प्रोड्यूसर साहब भी, राजेश जी, हाँ जी, मूवी के बारे में बात कर रही हूँ. मैंने सोचा आपको बोलूँ कि ज़रा ध्यान दें. हमारे माँ बाप. थैंक यू वेरी मच आप सब यहाँ पर आए और मैं ग्रिश मूवीज़ की तरफ से एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हमारे मीडिया के सभी बंधुओं को और ब्लू माउंटेंस फिल्म की स्टार कास्ट और इसकी क्रू को जो आज यहाँ पर उपस्थित है. देखिए क्लब है तो माहौल भी बिल्कुल डिफरेंट है. आज देखिए ब्लू माउंटेंस के ऊपर कलर भी ब्लू का ये जो दिया हुआ है ये भी काफ़ी कुछ मैच कर रहा है और मैडम ने भी कलर कुछ ब्लू जैसा ही पहन रखा है. क्या कहते हो दोस्तों? तो काफ़ी कुछ ब्लू 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 मिल रहा है. आगे पीछे हर तरफ ब्लू है और मैंने भी शायद ब्लू ही पहन रखा है. मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहता हूँ कि कुछ महान हस्तियाँ अभी यहाँ पर उपस्थित होने वाली हैं. जैसा कि आप जानते हैं मुंबई में जो रास्ता है उसका कोई माई बाप नहीं है क्योंकि जाम बहुत होता है. मुझे खुद को पहुँचने में आधा घंटा लग गया तो डेफिनेटली जो हमारे सुपर गेस्ट आने वाले हैं वो भी कहीं रास्ते में जाम में फंसे होंगे तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. मैं मैडम से निवेदन करूँगा कि जैसे वो हिला के रखती हैं अपने दर्शकों को, अपने सुनने वाले श्रोताओं को, कुछ ऐसी ही कुछ बात वो यहाँ पर बताएं जिससे कि जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं उनको भी सुनकर के मज़ा आए क्योंकि वो लाइव देख रही हैं मैडम को. तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं मैडम से कहूँगा कि वो कुछ कहें. सर मैं ही तो कह रही हूँ यहाँ पर. थैंक यू सो मच. बट थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, मेरा काम थोड़ा सा और आसान करने के लिए. मैं कहना चाहूँगी लेकिन आज इस फिल्म के बारे में ज़रूर कि हम सभी लोग जिस चीज़ को देखते आए हैं, रियलिटी शोज़, आप सभी लोग अभी ट्रेलर देखेंगे इस फिल्म का. रियलिटी शोज़ हम सभी के सामने हर एक एक टेलीविज़न चैनल पे कम से कम 5 हैं जिसके विनर जो होते हैं वो शायद फिर भी कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं. लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि 50 कंटेस्टेंट्स जो कि हर रियलिटी शो का हिस्सा बनते हैं, कहाँ है वो? कहाँ गायब है वो? अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी पढ़ाई, अपने करियर को छोड़ करके जो इस रियलिटी शो में हम सब लोग बिजी हो जाते हैं, कहाँ है वो लोग? क्या हो रहा है उनके करियर का? लेंगे हम कंटेस्टेंट्स को. ऐसे टाइप की जज है आप इस वक्त में? जी बिल्कुल नहीं. मैं वैसे भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं लोगों को रुलाऊँ. तो जज बन के रुलाना तो बहुत मुश्किल है. अगर बच्चा कुछ उम्मीद लेके आता है, अगर आपको वो नहीं भी, थोड़ा कम भी है, तो उसको डिसआर्टन नहीं करना चाहिए, प्यार से समझा देना चाहिए. Thank you so much for being a part of this evening, ma'am. Thank you so much. I hope you have a great time. बहुत ही जल्द हम यहाँ पर गाने भी जो है वो भी दिखाएंगे, सुनाएंगे. So, thank you so much. Really burning right now. आज की तारीख में it is something that should be given a lot of importance and concern. लेकिन हम सब लोग बस नजरअंदाज किए चले जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर. क्या कहना है? When someone approached me for this role, you know, I really wanted to do it because क्या है कि channels जो हैं, they only think about increasing their TRPs and they don't actually think about what happens to the kids after the kids go home, you know. तो वो जो सुमन का ये subject तो था, ये था कि everybody cannot be a winner. There are losers. There's only 1, 2, 3 winners at the most, you know. But out of thousands and thousands of people, of children and of teenagers who take part in this kind of reality shows, there has to be 98% losers. So those losers have to understand that every game is not for winning, and even like the subject of a movie is that the failure is the first step to the success. You know, वो बहुत important है कि इन बच्चों को मतलब उनको समझ में आए कि when they come for reality shows or rather for that matter reality shows or any other competition, they have to come with a spirit of participation and not of winning. That's what we've tried to do in this film, and I think I've seen that film like 4 times till now, and I think it's come across fantastically, and you'll also say the same thing once you watch it. Thanks. Love you. तो आप ये कमाल कुछ नहीं, मैंने तो मेहनत की है और मेरे साथ सब मेरी पूरी टीम, मेरे टेक्निकल टीम, मेरे एक्टर्स, सब लोगों ने मेहनत की है और खासतौर पे मेरे न्यू कमर्स जितने मेरे यंग एक्टर्स हैं तो वो लोगों ने जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस फिल्म के लिए और आई एम थैंकफुल टू एवरीवन मेरे DOP सामने खड़े हैं, इवन ऑल माई एक्टर्स, ऑल माई टेक्नीशियंस जो आज यहाँ पे आप आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, तमाम लोगों के लिए जो है आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड। और इंटरेस्टिंगली इसमें अंदर जो कुछ एक कलाकार जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, उनमें से मैं चाहूँगा उन लोगों को आप बुलाएं और बुला के उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछें। उसमें से सीनियर में अगर मैं बात करूँ तो उधर मेहुल कपाडिया है। मेहुल कपाडिया, मेहुल भाई कैन आई आस्क यू टू कम हियर। मेहुल जी पहली बार जो है इस फिल्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आप हैं मेहुल जी और इनसे आप बात कीजिए और बाकी सारे न्यू कमर्स जो हैं उनके साथ आप बात कीजिए, उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछिए। मेरे को उतना अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कि सुमन जी को मेरे पे कॉन्फिडेंस था। आई मीन लाइक मैं शॉट दिए जा रहे थे, मैं शॉट दिए जाता, सुमन जी बोल रहे थे वेल डन, ऐसे ही चाहिए। मेरे को अंदर ही अंदर सोचता था सर मेरी ले तो नहीं रहे, खींच तो नहीं रहे, मेरे एम आई डूइंग माई पार्ट रियली वेल, बट लेकिन I had no idea how to give an audition. Usually auditions होते ही नहीं है. I was there. He's like, this is the mark, stand there and say the dialogue. And I just assumed some imaginary boy who had to say the dialogue. And I was saying like this. So he's like, don't look into my eyes and say the dialogue. So I looked into his eyes and said the whole dialogue, the whole monologue. And then I got that standing ovation. And I was like, oh my god, am I really an actor? Like I performed so well. I didn't know what's there inside me. He is the one who found that actor in me. He's the one who brought me here, so I'm really thankful to Sumanda for bringing me here. So from the first day, you know, he signed me for the movie, called me to Mumbai for the look test, and then from there till here, it's been a long and a pleasant journey. So क्या ये सही सवाल होगा अगर हम आपसे पूछेंगे how old are you? Really? School में थी मैं, audition हो गया, that rings bells in my head. How old are you? Well, a girl is always 18. I think you're actually 18. Thank you so much for being here and all the very best for the. और इंटरेस्टिंगली कॉमेडी कैरेक्टर किया। कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, सीरियस रोल तो फिर भी सीखा करा जाता है। कॉमेडी में वो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जो इसने बहुत बखूबी निभाया है। तो ऋषभ प्लीज कम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तुम्हारा एक्सपीरियंस। Yes, so welcome. You know, I am so happy about the introductions that your director is giving for all of you. मतलब ऐसा सच में फील में आ रहा है कि आपने बहुत खुश किया है। ऐसे एकदम शूट के एंड ऑफ द डे पे आप बोलते होंगे सुमंदा को देखे आज खुश तो बहुत हो गए, and he was like yeah of course होगा। मैं खुश हुआ। बताइए how was it? It was actually a really great experience. मतलब हम बच्चे से बड़े हुए और literally हमारे life के बहुत important moments. Blue Mountain has given us some really great experiences. आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी है? Yeah, I am 19. Wow, okay, that is a young cast. Okay, बताइए आपके character के बारे में कुछ बताइए। Comedy कर रहे हैं आप इस film में? Yeah, my character is Hunty. So मेरा comic character है and I am a character की जो serious situations में बहुत ऐसे dialogues बोल देता है जो उसे नहीं बोलने चाहिए. So I'm playing a really funny role in the movie. That's how my character. Ranveer, मैं हूँ Ranveer, आप कैसे हैं आप? Welcome, welcome. So now that you are here, trailer का जो entry song है वो ही आपकी आवाज़ में है यहाँ पर। पहले बताइए कुछ आप उस गाने के बारे में, उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग witness करने वाले हैं उस गाने को। नहीं सच पूछिए तो काफी साल पहले गाना record हुआ था जब यथार्थ शायद हाँ आधे साइज़ का था। और लेकिन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आदिर जी के साथ बहुत काम किया है उस वक्त पे। तो हम लोग तो बस जैसे कि बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं उनसे ऐसे किया था, लेकिन अचानक से उनके जाने के बाद ही पहली बार दूसरी चीज़ हो गई रिलीज़ हमारे साथ में। और सुमंदा ने बहुत ही प्यार से इस फिल्म को बनाया है। आजकल बच्चों को फिल्म को इस तरह से बच्चे भी प्रमोट नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को राजेश जी ने इस फिल्म को आगे ले आया। और it's seeing a release date April 7th April और सबके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अच्छी फिल्म बनी है और सुमंदा बहुत ही एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है। तो सिर्फ सारी बातों का यही है कि गाना मुझे अब याद नहीं है, वो आप सुना देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। जी जी फिर इमीडिएटली सुनता नहीं मिली आपको लाइव। चलिए तो let's have the trailer please, trailer of the film Blue Mountains. MashaAllah, back here. Launch for the film Blue Mountains. Thank you so much. Leslie Lewis in the house, ladies and gentlemen. So welcome, welcome. आज की शाम में आप यहाँ पर आप लाइन में बहुत अच्छा लग रहा है. Let's have some pictures, please. Let's have a quick picture, please. Yes. Thank you so much. Photographers, thank you so much. One sec, please, one sec. So I would request the chief guests, Bappi and Leslie Ji, please stay with me. Yes, look here, look here. Monty Sharma, ladies and gentlemen. Yes. Time and Leslie's time, both of them are popular, and Monty Ji's made some most exciting compositions for the film. Can we please have claps for all of them? All right, thank you so much. बपीता, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आप समय निकाल करके आए हैं. मेरा दिल रुचि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. थैंक यू सो मच. आई वेलकम यू फ्रॉम द टीम ऑफ ब्लू माउंटेन्स. कैसा लग रहा है आपको ये मूवी जो बनाई गई है? इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म एंड इट टॉक्स अबाउट ट्रेलर. ये सब ट्रेलर दिखाने वाले हैं यहाँ पर. हाँ जी, तो हम ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आई हुई मीडिया में 10 से 10 तक? बस मैं आप लोग को सबको शुभकामना देने के लिए आया हूँ. ब्लू माउंटेन्स पिक्चर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म. पार्टी बट एनीवे माय पीआर नंदिनी एंड अनुषा, दे हैव रिक्वेस्टेड मी टू कम ओवर हियर एंड कंग्रेचुलेशन मोंटी. वेरी टैलेंटेड एंड वेरी टैलेंटेड Leslie. All with my brother Shaan. वो तो मेरा favorite singer है और हमेशा मेरा साथ गा और all films. अच्छा, very good, very all the best and all the best for the film. Have a good laugh. Gracy जी किधर हैं? हाँ, आइए Gracy जी आओ. बहुत शुभकामनाएं. Grace of the occasion is Gracy. Yes, ma'am. Look here. Yes. Thank you so much, Bappi. Yes, yes. Yes, look here. Sumanji, please. Yeah. Anil. Thank you. Nandini ji. Blue Mountains film के music box का unveiling यहाँ पर होगा. You guys will also get to listen to the amazing music of the film in a short while, but until then. Presenting the music for the film Blue Mountains out now. And we have Shaan, and we have Monty Sharma, and we have the actors of the film, Gracy Singh. here, please. Center loop. Yes. Center loop. Thank you. Take me now. Yes, look here, please. Hey, bhai, photo. नीचे बैठ जाओ भाई हो गया वो खड़ा रहेगा शान को कह ही रहे थे कि शान को भी हम ये ट्रेलर दिखाएं सो दैट वी आर ऑन द वे अबाउट द सॉन्ग जो शान ने इतने समय पहले गाया था Thank you so much. Can we play the trailer, please? Thank you. ये संगीत हमारी जिंदगी इससे कभी अलग नहीं हो सकती। मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहता हूँ। I want to sing। और इस बार मैं मेडल जीतने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए गाऊंगा। मतलब ये कि एक रेस हो जाए कुछ छोटी शान से जरूर पूछना चाहेंगे आपको याद आया उसकी एक लाइन फिर से आँखों में हुई है खुजली लगाने की ए शायद दिल से शर्त लगी है छोड़ाने की ये पहाड़ दूर से तो बहुत पास लगते हैं पर हकीकत में होते हैं बहुत पर मुझे वहाँ पहुँचना है मेरा अधूरा सपना वो पूरा करेगा चित चोर करे बदला घनघोर मतवार जनरेशन क्लासिकल एंड रॉक एनीवे बट फर्स्ट सॉन्ग आल्सो फैंटास्टिक ये भी गाना बहुत अच्छा है मैं सोचता हूँ ये पिक्चर सबको देखना चाहिए जो आज का जनरेशन इतना अच्छा आप लोग ब्लेंड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल गिरीश मूवीज राजेश जैन जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ आजकल का जनरेशन में मैं अभी भी बोला ब्लू माउंटेंस का जो गाना सुना जो एक इंस्पिरेशन जो इंडियन क्लासिकल एंड रॉक हाउ टू एवरी सॉन्ग विद द मेलोडी एंड ऑल द सॉन्ग्स आर गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म ब्लू माउंटेंस और मेरा आज मैं कभी आता नहीं बहुत कम आजकल पब्लिक आई बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन द हॉलीवुड बट एनीवे आई एम सो हैप्पी टू कम ओवर हियर ऑल द बेस्ट राजेश जी और पॉपिता ने बहुत बड़ी मतलब हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है कि बच्चों की फिल्म को कोई प्रमोट नहीं करता पॉपिता ने जो समय निकाला है ना किसी एक बच्चे का अगर जीवन बदल देगा तो वो बापी दा को क्रेडिट जाएगा। अरे मैं इतनी बड़ी बात बापी दा कह गए। मैं इसलिए आया भाई, मैं अभी मेरा दो पिक्चर नॉमिनेटेड हुआ इस साल ऑस्कर में। जी जी जी। एक का नाम था लायन जिसमें मेरा गाना था, और एक गाना मैं खुद गाया, बच्चे का ही पिक्चर था। दैट इज द बेस्ट फिल्म, एनिमेटेड फिल्म नॉमिनेटेड इन ऑस्कर। जो मैं मोआना जी जी जी। बहुत ही अच्छा, कितना प्राउड फील करते हैं अपने आप को। बहुत ही प्राउड, मैंने आई एम वेरी हैप्पी। ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है, ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ। मोआना बच्चे लोग का पिक्चर था जी। और आज जब मैंने गाना गाया जब हॉलीवुड में था, बोथ द फिल्म्स आर इन ऑस्कर नॉमिनेटेड, लायन एंड दिस पिक्चर मोआना। बट आज का जो पिक्चर देखा ग्रेसी सिंह जी, ब्लू माउंटेन्स, अपने क्लासिकल जो आलाप लिया, जो जिस ढंग से अपने तानपुरा हारमोनियम, बहुत दिन बाद एक लगा फ्रेश चीज़ देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये पब्लिक को डेफिनेटली अपील करे। आज बद्रीनाथ की दुल्हनिया सुपर डुपर हिट हुआ, लेकिन वो भी मेरा ही गाना है। लेकिन आजकल का यंग जनरेशन को भी ऐसा गाना सुनना चाहिए और इस टाइप का सब्जेक्ट। राजेश जी आपको धन्यवाद देता हूँ, अग्रेसी जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जानना चाहेंगे जिस तरह से पुराने गानों पर ट्रिब्यूट करके नए गाने बनाए जाए, जैसे आपका तम्मा तम्मा सॉन्ग आपने खुद गाया हुआ है, सुपर डुपर हिट हो चुका है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं न्यू सिंगर्स के बाद कुछ रहा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। नए गाने को पुराने गाने को नहीं, पुराने गाना नया गाने का बात नहीं है। बट जी मेरा जितना भी गाना है जी, फ्रॉम 74 से, बम्बई से है मेरा दोस्त से, आज तक भगवान का दया से, चाहे उलाला हो, चाहे तूने मारी एंट्री हो, विद्या बालन हो, प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे आज का आलिया भट्ट हो, भगवान का दया से बापी लहरी का गला पसंद करता है, गाना पसंद करता है। लेकिन मैं आज बोलूँगा ब्लू माउंटेन इट विच डेफिनेटली सुपर हिट होगा, क्यों आजकल बच्चे लोग को लेके इतना इंस्पायर कोई नहीं करते हैं। और दो एक तो ग्रेसी जी तो मेरा फेवरेट है, उसका लगान देख के तो मैं एकदम, मैं क्या बोलूँ। आइए ना, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए बप्पी जी आ जाएंगे? बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। इनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हमें इंकरेज कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बप्पी जी आए हैं और इस फिल्म में काम करके भी बहुत अच्छा लगा। आपका तो भी मैं फ़ैन हूँ, लगान में तो सुपर डुपर हिट मुन्ना भाई, आपको सब ब्लॉक ब्लास्टर जय गंगा जल में मैं काम किया था, गाना गाया था प्रियंका का। लेकिन शी इज़ वेरी गुड, फैंटास्टिक टैलेंटेड, एंड रणवीर भाई भी बहुत अच्छा काम किया। और बच्चा जो है यथार्थ, वेरी गुड, अपना वॉइस दिया है। इससे बड़ी आप लोग जो एक बच्चे को स्कोप दिया है, ये देख के बच्चे लोग को इंस्पिरेशन होगा। आज मेरा सारेगामा हम लोग शुरू किया था, लेकिन आज वो आर्टिस्ट को आपने लेके हीरो बनाया, और ग्रेसी जी जैसे आर्टिस्ट को लेके आया साथ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पहले सब लोग एक लाइन में आ जाओ, पहली बात तो पीछे आ जाओ, तो लाइन में आ जाओ। वहाँ चल रही है फुल कुछ चीज़ें ऐसी थी इसमें, फुल लास्ट deadly things going on there. He's having fun, you can see. Backstage. Yeah, such times are such that such music. No, it's good. And some younger kids will get some exposure. Sanji, क्या कहना चाहेंगे आज Blue Mountain में म्यूजिक लॉन्च में आए हैं? किस तरह से म्यूजिक को आप देखते हैं और किस म्यूजिक को आपने कितना अलग देखा और क्या अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल, मैं जब आया था यही विचार के साथ आया था कि आदिर जी का म्यूजिक है और मैंने गाना गाया था, तो आदिर जी के याद में ही आया था। लेकिन अब जब म्यूज़िक सुना और मॉन्टी शर्मा के भी गाने सुने और इतना कमाल का मज़ा आया कि इस दौर में इस तरह का जो एक म्यूज़िक आएगा, आई थिंक इट्स गोना क्रिएट अ होल न्यू वेव और न्यू एक रिवाइवल होगी म्यूज़िक की और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, रॉक, जो भी ये जॉनर्स है जो वाकई ख़त्म हो चुके हैं हमारे फिल्मी म्यूज़िक से, तो इस तरह का म्यूज़िक सामने आ रहा है। इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड यूथ बेस्ड फिल्म है, तो होपफुली जो यूथ है उनको ये प्रभावित करेगा म्यूज़िक। जिस तरह से म्यूज़िक की बात करें, बॉलीवुड में पुराने गानों को न्यू और ट्रिब्यूट करके नए गाने में नए नए पिक्चरों में लिया जा रहा है, तम्मा तम्मा हो गया, लैला हो गया, हाँ बहुत सारे गाने, तो कहीं ना कहीं लगता है उनकी मेलोडी कम हो गई है या फिर पुराने नए सिंगर्स को नए गानों के बारे में कुछ ऐसा मिल रहा नहीं है। नहीं, अभी वो जो कर रहे हैं आप उनसे पूछेंगे तो बेटर है क्योंकि वो क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं हमें तो नहीं पता। हमें तो लगता है कि आज भी हमारे पास बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर्स हैं जो बहुत अच्छी ओरिजिनल म्यूज़िक दे सकते हैं, तो उन पर और भरोसा करना चाहिए। और डेफिनेटली म्यूज़िक तो इतना बड़ा समंदर है कि यू नो शायद एक दो कतरा ही वहाँ से निकला होगा, सो वी कैन डू अ लॉट ऑफ ओरिजिनल म्यूज़िक। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने गाने में इतना टैलेंट भरा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कितना टैलेंट है, तो उनको आगे आना है बस, आई थिंक। और आप क्या कहेंगे आप शान? सर शान, आई लव शान, आई एम टेलिंग यू टुडे, आई हैव हैड अ ब्लास्ट विद शान एंड आई शेयर। मैं शान के साथ बहुत ऐसी चीज़ें हम शेयर करते हैं जो हमारे लिए बहुत पर्सनल है और बहुत सोलफुल है। और शान ने जब भी मेरे गाने गाए हैं, जैसे जब से तेरे नैना गाया, तो बहुत ही दिल से गाया और वी रियली इन्जॉयड। और अब हम रिसेंटली दुनियादारी पिक्चर थी जो गुजराती में थी, उसके लिए शान ने गाया, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया कमाल के साथ। हाँ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद शान बिकॉज आई ट्रस्ट हिम फ्रॉम माई हार्ट एंड आई लव हिम फ्रॉम माई हार्ट एंड ही इज़ वो एक बंदे हैं जो काम करते हैं दिल से करते हैं। मैंने कभी उनके अंदर छल कपट या कैलकुलेशन कभी नहीं देखा एंड दिस इज़ वॉट वी जेन्यूनली लव एंड रिस्पेक्ट। एंड इवन लेस्ली जी, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज वर्क, वेरी गुड वर्क ही डज एंड ऊपर वाले ने चाहे तो हम सब मिलके भी कुछ करेंगे, वी डू समथिंग रॉकिंग। यस सर And Yatharth, they are also both there. No, of course. आप इन गानों को सुनकर, ट्रेलर को देखकर ही आप समझ पा रहे हैं कि द डायरेक्टर इज़ मतलब इज़ फुल ऑफ म्यूज़िक। वरना आजकल फिल्मों में म्यूज़िक इज मोर लाइक अ प्रमोशनल चीज़ यूज़ करते हैं उसको, लेकिन म्यूज़िकल फिल्म बनाना और ट्रूली म्यूज़िकल फिल्म बनाना इज़ यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स इन दीज टाइम्स, जो सुमंदा हैज़ रियली शोन एंड वेरी ऑनेस्ट फिल्म अबाउट म्यूज़िक, अबाउट अ म्यूजिशियन, अबाउट जैसे उनकी जो ग्रेसी सिंह जी का जो कैरेक्टर है कि यू कैन टेक समवन आउट ऑफ म्यूजिक बट यू कैन टेक म्यूजिक आउट ऑफ दैट पर्सन। म्यूजिक विल ऑलवेज स्टे इन हर। वो हम लोग का प्रॉब्लम है ना जी। बिल्कुल वंस अ म्यूजिशियन ऑलवेज अ म्यूजिशियन। और इसमें मैं एक बात बताऊंगा, विनोद नागपाल जी जो है मेरी इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार किया है और बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है वो। विनोद जी ने जब उनको पता चला कि मैं शिमला में शूट करूँगा, उनकी थोड़ी उम्र हो गई है तो वो थोड़े से घबराए, तो मैंने कहा सर पहले आप एक बार ये कहानी सुन लीजिए। तो कहानी सुनने के बाद उन्हें फ़ौरन हाँ कर दिया। तो मैंने बोला कि सर आपको कैसा लगा? कह रहे सुमन पता है तुमने कहानी के अंदर एक चीज़ क्या रखा, क्योंकि जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि विनोद जी आप भी गाना गाते थे ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहता हूँ यार आज मैं गाना गा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना गाता था, मैं एक सिंगर हूँ और आज भी एक सिंगर हूँ। कह रहे सुमन ये बात जो तुमने इस फिल्म के अंदर बोला है कि वंस अ सिंगर इज ऑलवेज अ सिंगर, जो अभी शानदार ने ये बात बताई है, तो कह रहा कि यही चीज़ जो है लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंगर कोई था नहीं होता है, सिंगर इज ऑलवेज प्रेजेंट। यथार्थ मेरे सामने हैं, वेरी ऑनेस्टली मेरे को इसी एज ग्रुप का एक एक्टर की ज़रूरत थी। मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर मिले जो कि सिंगर भी हो, क्योंकि वो एक मतलब म्यूज़िकल फिल्म है तो वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो गाना भी गाता है, साथ ही साथ डायलॉग्स में गाना है उसके। तो यथार्थ जब पहले मेरे पास आया तो उसने जब एक डायलॉग मैंने बोलने के लिए बोला तो उसने उस डायलॉग को जो है न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं ना उस तरह से बोला। फिर मैंने सोचा कि चलो एक्टिंग के बारे में बात नहीं करें तो मुझे गाना सुना, इसलिए मुझे गाना सुनाया और आई गॉट गूज बम्प्स। और इन्होंने पता लगता है कि वो ऑलरेडी एक सिंगिंग रियलिटी शो में जो है उसने फर्स्ट रनर अप रहा है, तो वो मेरे कैरेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कैरेक्टर बनाएंगे यथार्थ के लिए। और फिर उसके बाद जब इसकी मतलब वर्कशॉप हुआ, 6 मंथ्स का वर्कशॉप हुआ इसके साथ, और उस वर्कशॉप में जो इसकी एक्टिंग निखार के आया है, तो एक बार रणवीर दा ने जो है एक शॉट देते वक्त रणवीर दा ने बोला कि सुमन ये वाला सीन जो है, अगर मतलब एक्टर अगर कोई मेरे साथ जो है को एक्टर अगर वो अच्छा ना हो तो सीन बनता नहीं है, लेकिन यथार्थ ने क्या परफॉर्म किया सुमन, सीन यथार्थ के कारण जो है और अच्छा हो गया। सो ये है सामने। थैंक यू सो मच। आई जस्ट फील कि ये जो पूरी मूवी है, जस्ट माई कैरेक्टर जो पूरी मूवी है, मैंने 2 रियलिटी शोज़ किए हैं तो मैं विनिंग साइड पे भी रहा हूँ, लूजिंग साइड पे भी रहा हूँ। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एवरी वन देयर इज समथिंग इन दिस मूवी, आपके सिस्टर के लिए, आपके ब्रदर के लिए, आपके भाई के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, क्योंकि आपको रियलिटी शो पे टीवीज़ पे सिर्फ वो दिखता है जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, जीतते हैं, बट जो बैक स्टेज की कहानी है ये मूवी आपको दिखाएगी कि असल में क्या होता है, असल रियल स्टोरी क्या है। एक टीनेजर आता है इस टाइप के शोज़ में, वो किन चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है और उसको वो कैसे ओवरकम करता है और वापस से स्ट्रेंथ पाता है कि वो लाइफ में कुछ कर पाए। सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड आई होप कि सबको ये मूवी बहुत पसंद आए। एक दिन मैं सुमंदा से मिला तो उन्होंने जब कहानी सुनाई तो वहाँ सुनते सुनते ही आँखों में आंसू आ गए, तो उसी समय डिसाइड कर लिया कि ये फ़िल्म बनानी है। हालांकि बच्चों की फिल्मों पे कोई दांव नहीं लगा था क्योंकि इसमें रिटर्न की श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं अपने दिल की सुनूंगा तो हो सकता है कि ऊपर वाला भी मेरा साथ दे। तो मैंने बच्चों की फिल्म पर दांव लगा लिया। ग्रेसी जी जैसी कलाकार हमारे साथ हैं, शान जी के गाने, सुनिधि चौहान से उस मोंटी दा, मतलब एक वंडरफुल कास्ट एंड क्रू है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छी लगेगी और 11-11 अवार्ड जीते हैं। अगर भारत सरकार ने बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड दिया है तो इसका मतलब फिल्म में दम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे भारत के 400 बच्चों ने फिल्म फेस्टिवल में हैदराबाद में इस फिल्म को चूज़ किया बेस्ट फिल्म। और फिल्म ख़त्म होते ही एक माँ आई उठकर और बोली कि डायरेक्टर साहब ये कमाल कर दिया आपने, मेरा बेटा 15 दिन पहले ये बोल रहा है कि मैं एक खेल में हार गया था, कि मैं ये खेल छोड़ दूंगा, जीवन में कभी नहीं खेलूँगा। और ये फिल्म देखने के बाद पहला लाइन बोल रहा है कि माँ मैं तो सोम जैसा बनूँगा, मैं फिर से खेलूँगा, मैं फिर से जाऊँगा और मैं जीत के आऊँगा। हमें तो इनाम उसी समय मिल गया। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम हियर फॉर ब्लू माउंटेन। एक तो बच्चों का फिल्म है, ऊपर से म्यूज़िकल है और कास्ट एंड क्रू इज़ ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, तो भी पेश किया जा रहा है, वेस्टर्न भी पेश किया जा रहा है और दोनों साथ साथ में चल रहा है। इट्स रियली नाइस, आई रियली एन्जॉयड ऑल द सॉन्ग्स। और आजकल तो मैं वही कर रहा हूँ जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक जो फिल्म में है मैं लाइव कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि एक नया चीज़ करूं जो बहुत लोगों ने मुझे बहुत चढ़ा के रखा है कि सर आप बहुत बड़े हो, आपका शो कहाँ होता है। तो मैंने सोचा कि देखो एक काम करता हूं, मैं आपके कोई भी सिटी हो, कोई भी टाउन हो, मैं आके वहां परफॉर्म करूंगा। तो वो मेरा नया मकसद है, कनेक्ट विद द फैंस, सीरीज़ ऑफ परफॉर्मेंसेस। और होपफुली आपके सिटी में आऊँगा, कभी आइएगा। म्यूज़िकल विश, वेल this is me Leslie Lewis wishing Blue Mountain all the very best for the movie and for the songs.